नमस्कार भैया, नमस्कार। मैं सतीश कुमार गहलोत आशा संस्था से आया हूँ। क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं ग्राम पांचलोत का रहने वाला हूँ। ईश्वर भैया, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा कि ये आप दवाई छीट रहे हैं, तो कौन सी फसल में आप दवाइयाँ छीट रहे हैं? ये जी, मैं बैंगन में दवाई छीट रहा हूँ, कीटनाशक। इसमें इल्ली का प्रकोप हो गया, कीड़े लग गए, इसलिए मैं कीटनाशक इसमें छिड़काव कर रहा हूँ। अच्छा, तो ईश्वर भैया, आप ये जो कीटनाशक दवाइयाँ छिटक रहे हैं तो इसकी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या आप हमें ये बताएंगे क्या? जी जरूर बताएंगे ना सर। अच्छा, हाँ, तो ईश्वर भैया, जो ये आप सावधानी बताने जा रहे हैं तो इस सावधानी में हमें क्या क्या फायदे हैं इससे? जी, हमें सावधानी रखने से ये फायदा होता है कि इसमें लगने वाली जो लागत है वो कम हो जाती है। यह सावधानी रखने से हमारे शरीर में जो नुकसान होता है इससे बचाव हो सकता है। सावधानी रखेंगे तो कीड़ों का इस पे नियंत्रण हो जाएगा और इससे पैदावार भी हमें अच्छी प्राप्त होगी। तो ईश्वर भैया, ये कीटनाशक छिड़कते समय अपने अपने को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए तो ये आप हमें बताएंगे क्या? जी, हमें यह सावधानी रखना चाहिए कि मुंह पे गमछा बांध लेना चाहिए, हाथ में मोजे पहन लेना चाहिए और पैर में जूते पहन लेना चाहिए। अच्छा, ये मुंह पे गमछा, हाथ में मोजे और पैर में जूते क्यों पहनना चाहिए? हमें मुंह पे गमछा और हाथ में मोजे और पैर में जूते इसलिए पहनना जरूरी है कि जो दवाई है वो हमारे शरीर में ना लगे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, जी, कीटनाशक का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को ये अच्छी तरह से वो स्वस्थ होना चाहिए और उसे ये पंप के बारे में, स्प्रे पंप के बारे में और कीटनाशक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ये कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय स्वस्थ आदमी ही क्यों होना चाहिए? जी, कीटनाशक छिड़कने वाला आदमी इसलिए स्वस्थ रहना चाहिए क्योंकि कीटनाशक जहरीली होती है और उसे वो जो जहरीली दवाई रहती है उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करती है। वो जहरीली कीटनाशक छिड़कने वाला व्यक्ति अकेला ना रहे, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके साथ में रहे। क्यों भैया, जहरीली कीटनाशक को छिटकने के लिए अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए? जी, अकेले आदमी को इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसको अगर किसी कीटनाशक का उस पर अगर असर हुआ हाँ, तो दूसरा व्यक्ति साथ में रहता है, वो उसे संभाल सके या ध्यान रख सके उसका। अच्छा, दवाई का घोल बनाते समय आसपास कोई बच्चे नहीं रहना चाहिए और ना कोई दूसरा व्यक्ति रहना चाहिए। ये दवाई का घोल बनाते समय आसपास बच्चों को क्यों नहीं रहना चाहिए? जी, बच्चे आसपास इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि दवाई खोलते समय उसमें गैस या कुछ ऐसा अगर गैस लगी उनको तो उनके शरीर पर नुकसान हो सकता है। जी, दवाई छिड़कने वाला जो व्यक्ति रहता है हाँ, उसे जो दवाई कीटनाशक पे जो लगा हुआ पत्रक आता है अच्छा, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सब सावधानियाँ और कितनी मात्रा में दवाई डालना, कैसी सावधानी रखना, मुंह पे क्या बांधना ये वगैरह, कितनी दवाई कितने पानी में डालना वगैरह सब इस पत्रक में जानकारी उपलब्ध रहती है। इस पत्रक को तो पढ़ना आवश्यक ही है। अच्छा, जी, हमें कीटनाशक छिड़कते समय बीड़ी, सिगरेट अथवा कुछ भी वस्तु खाए ना पिए, मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए अच्छा, कीटनाशक छिड़कने वाले व्यक्ति को। जैसा कि आपने बताया कि कीटनाशक छिटकते समय खाना पीना अथवा कुछ भी खाना पीना या सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए अपने को? हमें इसलिए नहीं खाना पीना चाहिए कुछ वस्तु के, हमारे हाथ में दवाई लगी हुई रहती है तो वो हाथ के द्वारा अंदर जा सकती है, खाने पीने के द्वारा अंदर जा सकती है वो। हमें एक सावधानी यह भी रखना चाहिए कि हम जब भी घोल बनाएं हमें हवा की दिशा में ही बैठना चाहिए, हवा के विपरीत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, हमें हवा के विपरीत दिशा में क्यों नहीं बैठना चाहिए? अगर हम हवा के विपरीत दिशा में अगर बैठेंगे और घोल बनाएंगे तो वो हमारे मुंह में अंदर जा सकती है दवाई और हमें नुकसान हो सकता है। जी, हमें दवाई छिटकने से, घोल बनाने से पहले यह हमें निश्चित कर लेना चाहिए
कि ये दवाई सही मात्रा में डल गई है या नहीं डली। सही मात्रा में अगर डल गई है तो निश्चित रूप से हमें सही साथ उसका फायदा मिलेगा। हमें ये छिड़काव करते समय ये देख लेना चाहिए कि हवा की दिशा में ही छिड़काव करना जरूरी है। और हमें अगली सावधानी ये भी रखना चाहिए कि कभी ये स्प्रे पंप के नोजल में कचरा वगैरह आ जाए तो इसको मुंह से ना खोले। यदि दादा हम इसको अगर मुंह से अगर खोलेंगे तो इसके द्वारा मुंह में दवाई जा सकती है और हमें नुकसान तो ठीक पर हमारी जान भी जा सकती है। भैया आपने ये इतनी अच्छी जानकारी मुझे बताई, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? सावधानी रखने से हमें एक तो ये फायदा होता है कि जो कीटनाशक में जो लागत लगती है वो कम हो जाती है और हमें फायदा मिलता है। दूसरा फायदा हमें यह होता है कि हमें इस सावधानी रखने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और हम स्वस्थ रहते हैं। और हमें यह सब सावधानी रखने से हमें बहुत अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो ईश्वर भैया, आप इस जानकारी के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं? ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो इससे उपज भी अच्छी प्राप्त होगी और अच्छी आमदनी होगी और समृद्ध किसान और सुखी किसान बन सकेंगे। तो ईश्वर भैया, आपने कीटनाशक के बारे में और इसके छिड़काव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई है आपसे, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, आपको भी धन्यवाद। Thank you.